सो प्रभास की मूवी कल की 2898 एडी को लेकर बहुत सारी अपडेट्स आई है, खास करके इसके पोस्टर को लेकर जो महाशिवरात्रि के दिन रिवील किया गया था उसको लेकर एक गुड न्यूज आई है जिसे सुनते ही हर प्रभास फैंस कल की फैंस खुश हो जाएंगे। क्या 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 क्या? इसके साथ 8 मार्च को मेकर से एक वीडियो कंटेंट की उम्मीदें थी लेकिन आया सिर्फ एक पोस्टर। तो अब सवाल ये है कि इसका वीडियो कंटेंट कब रिवील किया जाएगा और आएगा तो क्या आएगा, टीजर, ट्रेलर या फिर कोई सॉन्ग? ये समस्या है। तो इसको लेकर भी एक अपडेट सामने आई है कि एग्जैक्टली इसका वीडियो कंटेंट कब रिवील करने की सोच रहे है मेकर, प्रमोशन कब स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ में प्रमोशन कैसा होगा। सो चलिए बताते हैं आपको कि अब पोस्टर के बाद क्या आएगा कल्कि एंड टीम की तरफ से, टीजर, ट्रेलर या फिर कोई सॉन्ग, और एग्जैक्टली कब रिवील करेंगे ये, क्या हम मार्च में इसकी उम्मीद रख सकते हैं। और इसी के साथ महाशिवरात्रि के दिन रिवील हुए पोस्टर के ऊपर क्या गुड न्यूज आई है कि फैंस इतना खुश हो गए हैं, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। एवरीवन, वेलकम टू द फिल्म बी, मैं हूं एकता जानी। सो प्रभास की मूवी कल्कि 2898 एडी को लेकर एक से बढ़कर एक दिलचस्प अपडेट सामने आई है। तो शुरुआत करते हैं गुड न्यूज से। तो 8 मार्च को मेकर्स की तरफ से जो पोस्टर रिवील किया गया था प्रभास का, इसको काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोगों को ये इतना पसंद आ रहा है पोस्टर कि चारों तरफ इसी की बातें हो रही है, वायरल काफी हो रहा है ये पोस्टर और लोग इसकी तारीफ करते थकते नहीं है। इनफैक्ट फैंस तो एक कदम आगे निकल गए हैं इस पोस्टर को लेकर एक्साइटमेंट दिखाने में। जी हाँ, कल मैंने एक पोस्टर शेयर किया था और उसको लेकर मुझे कमेंट्स आई थी कि क्या ये ऑफिशियल पोस्टर है। तो जी नहीं, ये कोई ऑफिशियल पोस्टर नहीं है, मेकर्स ने इसे शेयर नहीं किया है, ये पोस्टर एडिट किया है एक फैन ने। जी हाँ, ये फैन मेड पोस्टर है। और सिर्फ यही पोस्टर नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे पोस्टर आए जिसमें फैंस ने अपने अपने तरीके से एडिटिंग करके काफी फेब्युलस पोस्टर बनाए हैं। ये जो अभी आप स्क्रीन पर पोस्टर्स देख रहे हो वो सारे पोस्टर्स फैन मेड पोस्टर है। प्रभास कहीं रोबोटिक हॉर्स के ऊपर बैठे हैं, कहीं पर कार में बैठे हैं, कहीं बिग बी के सामने वो खड़े हैं। मतलब आप क्रेज देखो कल्कि का, मेकर्स की तरफ से तो जबरदस्त पोस्टर आया ही है लेकिन फैंस ने जो अपनी अपनी थियरीज लगा कर अपने हिसाब से जो पोस्टर तैयार किए है वो भी कुछ कम नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वैसे मैं आपको बता दूं कि कल्कि 2898 एडी के ऑफिशियल अकाउंट का भी डीपी चेंज हो चुका है और उसमें भी महाशिवरात्रि के दिन जो पोस्टर रिवील किया गया था वही डीपी में लगाया गया है। मतलब कि सिर्फ एक पोस्टर के लिए इतना क्रेज, जहां पर प्रभास ठीक से दिख भी नहीं रहे है, उनका सिर्फ साइड पोज दिख रहा है। तो सोचो जब टीजर और ट्रेलर रिवील होगा तब क्या हाल होगा, लिटरली सोशल मीडिया ब्लास्ट हो जाएगा। आग लगा दी। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल पे कि इसका वीडियो कंटेंट कब आएगा, क्योंकि देखिए 8 मार्च को तो पोस्टर के साथ कहीं ना कहीं टीजर की भी उम्मीदें थी ही, लेकिन टीजर नहीं आया, सिर्फ एक पोस्टर ही आया। तो अब नेक्स्ट क्या, पता नहीं। तो देखिए अपडेट्स के मुताबिक 18 मार्च को इसका सॉन्ग रिवील करने की सोच रहे हैं मेकर। जी हाँ, ट्रेलर से पहले एक सॉन्ग रिवील करने का प्लान कर रहे हैं मेकर्स, ये अपडेट सामने आ रही है। और उसी सॉन्ग से कल्कि का प्रमोशन भी शुरू कर देंगे ये लोग और उसके बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका ट्रेलर रिवील किया जाएगा। भाई, अब बात करें इसके प्रमोशन की कि इसका प्रमोशन किस तरीके से होगा खास करके नॉर्थ में। तो देखिए जिस तरीके से सलार में प्रमोशन के लिए इंटरव्यूज होते थे वैसा ही कुछ होगा कल्कि 2898 एडी में। जी हाँ, कल्कि के प्रमोशन में भी इंटरव्यूज होंगे जिसमें राजा मौली सर भी शामिल होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि राजा मौली सर भी इस मूवी का अहम हिस्सा है। इसी के साथ अगर आपको याद हो कि सलार का प्रमोशन नॉर्थ में इतना नहीं हुआ था, ना के बराबर हुआ था, लेकिन कल्कि में ऐसा नहीं होगा, कल्कि का नॉर्थ में भी जबरदस्त प्रमोशन करने का प्लान कर रहे हैं मेकर्स। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, जिसकी हाईलाइट रहेंगे बिग बी और दीपिका पदुकोण। जी हाँ, नॉर्थ में बिग बी और दीपिका पदुकोण कल्कि 2898 एडी का प्रमोशन करेंगे। वैसे यहाँ पर कल्कि का ये प्लस पॉइंट है कि कल्कि में अलग अलग इंडस्ट्रीज के एक्टर्स लिए गए हैं। इससे क्या होगा कि हर जगह पर अच्छी तरीके से प्रमोशन तो होगा ही लेकिन ऑडियंस भी अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएगी इस मूवी से। सो यहाँ देयर इज टुडेज वीडियो। वैसे 8 मार्च को मेकर्स का पोस्टर तो काफी अच्छा आया ही है लेकिन अब ये फैन मेड पोस्टर के बारे में आपका क्या कहना है और इन सब में आपको कौन सा पोस्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।